हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है और आप सभी के लिए मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ। जल्दी हम सेकंड ग्रेड का वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आज से ही आप लोगों को उसका वीडियोज़ भी मिल जाएगा। एंड इससे पहले हमने लास्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई थी आप लोगों को, रीट एग्ज़ाम की। काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं रीट में, और उनके चयनित विद्यार्थियों की लिस्ट में जल्दी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और आप सभी को बताऊंगी कि मैं चैनल नॉलेज फॉर इंडिया के कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रीट लेवल 1 एंड 2 में सिलेक्शन हुआ है। बात कर लेते हैं रीट की काउंसलिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि रीट की काउंसलिंग कब होगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो DV था वो हो चुका है लगभग सभी ज़िलों में, और मैंने आपको रीट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट अपडेट ज़रूर शेयर की थी। एंड आप सभी को मैं बता दूं, कमलेश मीणा वाले केस की याचिका की सुनवाई थी 11 सितंबर को। आप सभी को वैसे उसके बारे में पता लग गया होगा। सो फिलहाल रीट पर अभी कोई स्टे नहीं है, इसलिए आपके आराम से काउंसलिंग होगी और आप लोगों को जो ज्वाइनिंग है वो भी दे दी जाएगी। वैसे कमलेश मीणा का फैसला हो चुका है, उसका फैसला सुरक्षित रखा गया है फ्रेंड, अभी उसका फैसले का निर्णय नहीं दिया है। जैसा कि रीट का जब कमलेश मीणा का सिंगल बेंच में केस चल रहा था, उसका फैसला भी सुरक्षित रखा गया था और कई दिनों बाद उसका फैसला सिराधारा जी के द्वारा रिवेल किया था। सो अभी फैसला रिवेल नहीं किया गया है, जैसे उसके बारे में मुझे अपडेट मिल जाती है तो आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। चलिए हम बात कर लेते हैं आज के वीडियो में, जो कि हमारा है रीट की लेवल 2 की काउंसलिंग कब होगी सभी सब्जेक्ट्स की। सो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, तो हम पहले उसके बाद ही बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका था, जिसकी आप लोगों ने लिस्ट भी देख ली थी कि लिस्ट आप कब आपका कौन सा आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। और सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी थी कि किस किस तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। अब बात करते हैं हम आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी होगी काउंसलिंग, जिसमें आपको स्कूल जो है वो अलॉट की जाएगी। तो द्वितीय लेवल के 16 सितंबर तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। फ्रेंड, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने रीट का जो कैलेंडर था वो जारी कर दिया गया था, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि किस किस डेट को क्या प्रोसेस होगी। एंड हम पहले ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं उसके बारे में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो रीट लेवल 2 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेज सत्यापन होंगे 16 सितंबर तक। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राथमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड, वैसे तो 10 तारीख तक लास्ट था कि 9 से 8 से 9 10 आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन सभी जिलों परिषद में इसका जो डेट है वो डिफरेंट डेट थी। सभी ने अपनी सुविधा के अनुसार ये दस्तावेज सत्यापन करवाया था, लेकिन अब जो लास्ट ड्यू डेट है वो है 16 सितंबर। 16 सितंबर तक सभी जिलों में दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे, यानी कि DV हो जाएगी। उसके बाद जिनके दस्तावेजों की पूर्ण रूप से जांच की जाएगी, सभी कमेटी बैठकर डिसाइड करते हैं कि हाँ इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। फिर उन सभी विद्यार्थियों की एक सूची तैयार की जाती है, उसके प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को वो भेजी जाती है। तो उसके बाद आपकी जो सूची है वो बीकानेर निदेशालय में भेजी जाएगी। नेक्स्ट है, सभी जिलों में 22 सितंबर तक रिक्त पदों की सूची तैयार होगी। एंड स्कूल आवंटन के लिए कैंप 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो आपको स्कूल आवंटन किए जाएंगे उसके कैंप स्टार्ट होंगे 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। तो 18 से 22 के बीच में आप लोगों को जो काउंसलिंग है वो आपकी हो जानी चाहिए अभी। लेकिन काउंसलिंग को लेके संदेह रहेगा आपके, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 6D की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। तो 6D का प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद जो सारे स्कूल हैं जो कि अपर प्राइमरी UPS जो स्कूल है वो खाली हो जाएंगी, और उनके बाद वहां पर आपको उनकी सूची तैयार करेंगे जिला परिषद की, कहाँ कहाँ पर विद्यालय रिक्त हैं, में पद रिक्त हैं, तो वो सूची तैयार होगी। उसी के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। वेल, आप सभी की काउंसलिंग हो जानी चाहिए थी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 16 से 17 सितंबर, जो कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसकी डेट थी। लेकिन फ्रेंड, 6D की प्रक्रिया के कारण ये जो डेट है वो डिले हो जाएगी आप लोगों के, और संभवतः 18 से 22 सितंबर तक आप लोगों के ये काम हो जाएगा काउंसलिंग का। और 28 सितंबर को सभी जिला परिषदों में चयनित अभ्यर्थी की सूची को स्थापित समिति से अनुमोदन कराया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का 28 तारीख को ज्वाइनिंग ऑर्डर आपको मिल जाना था अकॉर्डिंग टू रीट का जो कैलेंडर जारी किया था बीकानेर निदेशालय ने।
उनके अकॉर्डिंग 28 सितंबर को आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए थी, और 28 सितंबर को सभी जिला परिषदों में जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग वगैरह सब हो जाएगी उसकी सूची आपको वहां पर चिपका दी जाती है। सो फ्रेंड, ये है काउंसलिंग की अपडेट जो कि मैंने आपके साथ आज शेयर की है। अभी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जो सभी जिले वाइज जिला परिषद में इसकी काउंसलिंग होगी तो उनकी विज्ञप्ति निकाली जाती है पत्रिका में, और दैनिक भास्कर पत्रिका में आप लोगों की उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है। वैसे कई सारे जिला परिषद ने पहले ही जारी कर दी थी, जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो सारे वीडियोस आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। रीट का कैलेंडर का लिंक, रीट में जो काउंसलिंग है उसका जो डेट है सभी जिला परिषद ने दे दी थी, उनकी लिस्ट जो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। बात करते हैं अब काउंसलिंग में आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है। सो देखिए गाइस, काउंसलिंग में आपको वैसा कुछ नहीं लेके जाना है। कई सारे स्टूडेंट हैं वो उनकी एक कमेंट्स है कि मैम क्या बैंक की डायरी लेके जानी है एंड ऑल। सो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एक आईडी प्रूफ जो भी है वो लेके जाना है, उसकी फोटोकॉपी करवा लेना, एंड आपको ओरिजिनल आईडी भी आप लेके जाइएगा जो भी आप लोगों ने जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या जो भी आपका है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपना आधार कार्ड ही लेके जाइएगा और उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी। और आप लोगों को स्कूल जो है, सभी जिलाओं में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो आपको ब्लॉक पूछा जाता है कि आपको किस ब्लॉक में पोस्टिंग चाहिए, और उसकी लिस्ट आपको दिख बता दी जाती है। सो इस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, और आप से जितने नंबर पर आपका मेरिट में नाम होगा उसी नंबर पर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और आप लोगों से स्कूल पूछी जाएगी। प्रथम प्राथमिकताएं जो महिला वर्ग को दी जाती है, उसके बाद अदर कैंडिडेट्स को उसमें प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि पहले जो विधवा परित्यक्ता या पीच जो हैं उनको प्रथम प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद महिला की द्वितीय प्राथमिकता है, उसके बाद पुरुष की प्राथमिकता है। तो इस प्रकार काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। एंड ये रीट लेवल 1 का जो फैसला है ये भी सुरक्षित रखा गया है, आप सभी को पता होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर बात नहीं की है। एंड रीट लेवल 2 का भी मामला अभी सुरक्षित रखा गया है, उसे अभी रिवेल नहीं किया गया है, बट आपकी काउंसलिंग ज़रूर होगी, आप लोग निश्चित रहें, और आप लोगों को 28 तक नियुक्ति दे दी जाएगी जैसा कि कैलेंडर की प्रोसेस है। बट ये काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपके थोड़ा सा डिले हो सकता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है आज की अपडेट। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आ रही हूँ सेकेंड ग्रेड का इंग्लिश का वीडियो, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 28 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश का सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड, प्रिपेयर वेल, आप अच्छे से तैयारी करें और आप जरूर सेलेक्ट होंगे। जैसे कि मैंने रीट लेवल 2 रीट की जब प्रिपरेशन करवाई थी तब मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप लोग वीडियोस देखिए और आप मेरे वीडियोस देखिए, सारे सेकंड ईयर के वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। सो वेल, मैं अभी उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगी, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दूंगी, ताकि आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा, आप इजीली सारे वीडियोस फाइंड आउट कर सकते हैं टॉपिक वाइज। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दैट्स एनफ फॉर टुडे, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में। गुड लक एंड गुड बाय।